दसरे पंचायत चुनाव के बाद अब पुनः मतगणना की मांग उठने लगी है। सरगुजा जिले के बलौती विकासखंड के ग्राम बेलकोटा और कोरिमा के सरपंच पद के प्रत्याशी के साथ ग्रामीणों ने कलेक्टर को आवेदन देकर दोबारा मतगणना करने की मांग की है। मेटकुला के प्रत्याशी संपत्ति केरकेटा ने आरोप लगाया है कि कुछ मतपत्रों को फाड़कर फेंक दिया गया है, तो वहीं सामने खड़े प्रत्याशी को गलत तरीके से जिताया गया है। दोबारा मतगणना करने की बात को लेकर वहां पर मौजूद अधिकारियों ने मतगणना दोबारा करने से मना कर दिया। सरपंच पद के प्रत्याशी हूँ और ललिता केरकेट्टा को गलत ढंग से जिताया गया है और कुछ मतपत्र को फाड़ के फेंक दिया गया है और दोबारा गिनती करने के लिए बोले तो साफ मना कर दिए कि दोबारा गिनती नहीं होगा, जहाँ जाना है वहाँ जाइए और आवेदन लगाने पर भी साफ मना कर दिया गया। अभी ग्रामीणों को सलाह दी गई है कि वो पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत धारा 122 का आवेदन दें, जिसके तहत निर्वाचन याचिका में सुनाई उपरांत उनको निर्णय लिया जाएगा। देखिए, ये निर्वाचन है, निर्वाचन में हारने वाला अभ्यर्थी कोशिश तो करता ही है कि जीत उसके तरफ हो, उसे हर तरीके से अपने सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। खबर भोपाल से है।